हेलो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी फूड, ड्राई रोस्ट मखाना, ड्राई रोस्ट काजू एंड बादाम पाउडर। ये बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में मैं मखाने डालूँगी। मखाने आप एक बार अच्छे से साफ़ कर लीजिए कि इसमें कीड़ा या फिर फंगस तो नहीं है, और फिर कढ़ाई में डाल के मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये स्टोर करके रखना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे घी स्किप कर दिया है। तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये क्रिस्पी हुआ या नहीं। मखाने को अच्छे से रोस्ट करने के बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में हाफ कप काजू डालेंगे। काजू को भी मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसे भी एक प्लेट में निकाल देना है ठंडा करने के लिए। उसी कढ़ाई में हम बादाम को भी रोस्ट करेंगे। बादाम को रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बादाम थोड़ा टाइम टेकिंग है। बादाम को भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बादाम थोड़े से फफी दिख रहे हैं। बादाम रोस्ट हो जाने के बाद बादाम को भी हम प्लेट में निकालेंगे। फिर हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। तीनों चीज़ों को ठंडा करने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। आप इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद ही मिक्सर में पीस लीजिए, क्योंकि अगर हम गर्म में इसे पीसेंगे तो इसमें पानी छूट सकता है। तो यहाँ पे मैंने मखाने का पाउडर पीस लिया है। उसके बाद बादाम और काजू को भी ठंडा करके मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। पीस जाने के बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और एयरटाइट कंटेनर में इसे भर के रख देना है, जिससे ये ज़्यादा दिन तक स्टोर हो सके। फिर जब हमें बनाना हो तो हमें बच्चों के बर्तन को अलग ही रखना है, जिसमें सारा बच्चों का खाना बनता है। आप चाहे तो इसे गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बॉईल करना ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट तक मैं बॉईल करूँगी। जैसे हमने वैसे बादाम और काजू और मखाना को रोस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसके बाद मैं इसे एक कटोरी में अच्छे से निकाल लूँगी। और ये बेबी का फीड तैयार है। ये बच्चों के हेल्थ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए।